भारत में शाया होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तस्करा मिलता है वो आखिरी रसूल सल्लाम बिन अब्दुल्ला ही हैं इस किताब का मुसन्फ़ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती मगर इसके मुसन्फ़ पंडित वेद प्रकाश ब्रह्मन हिंदू हैं और वो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वापस्ता है वो संस्कृत जबान के माहिर और मारूफ महक्क स्कॉलर हैं पंडित वेद प्रकाश ने काल के अवतार की, की बात अपने इस तहकीक को मुल्क के आठ मशहूर और मारूफ महक् पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाले मुस्त और दुरुस्त हैं ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपने इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम राहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है सो पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद यह दावा करते हैं कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए चुनाचा उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हो इनको अब किसी और काल के अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकदस मजहबी किताब वेद से मदरजा जेल हवाले दलील के साथ पेश भी किए हैं नंबर एक वेद किताब में लिखा है कि काल के अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा इन कले का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सलम के मामले में दुरुस्त हो सकता है नंबर दो वेदों की पेश गोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरातुल अरब कहा जाता है नंबर तीन मुकदस किताब वेद में लिखा है कि काल के अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम होगा जबकि संस्कृत में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं चुनाचा अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानव का मतलब अमन है जो कि अरबी जबान में आमिना होगा और आखिरी रसूल सल्लाह के नाम, नाम आमना ही है, चार, वेद में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अक्रम सल्हसम को मरकूब थे जबकि आप सच्चाई और दयानत में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लाम के लिए सादिक और अमीन के लकब इस्तेमाल किए जाते थे नंबर पांच वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुजस खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लाह के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरेश के मुज्ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम व इराक़ में पहचान थी नंबर छह हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद के जरिए गार में पढ़ाएगा इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्हुस मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह तक में अपने खास फरिश्ते हजरत जब्राई के जरिए तालीम दी नंबर सात हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल के अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वह जमीनों आसमानों की सैर कराएगा और मोहम्मद सल्हुसम का बुराक पर मेराज का सफर इस पेशगोई का मिसदाद बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है नंबर आठ नेज लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल के अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई नंबर नौ हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेश मिलती है कि काल की अवतार घोड़सवारी तीरंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा पंडित वेद प्रकाश ने इस पेश गोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है वो लिखते हैं कि घोड़ों तलवारों और नेजों का जमाना बहुत पहले गुजर चुका है अब तो टैंक तोप और मिजाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा यह अकलमंदी नहीं है कि हम इस दौरे जदीद में तलवारों नेजों और बर्चियों से मुसल काल के अवतार का इंतजार करते रह जाएं हालांकि हकीकत यह है कि मुकदस किताबों में काल के अवतार के वाज इशारे हजूर सल्लाम के बारे में है जो इन तमाम हरबी फनून में कामिल महारत रखते थे टैंक तोप और मिजाइल के इस दौर में घुड़सवार तेज़न और तीर अंदाज काल के अवतार का इंतजार निरी हिमाकत है इसको इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू कलमा पढ़कर अल्लाह तला के हजूर सच्ची तोबा करके जन्नत में जाने वाले बन जाए कम अज कम अपने दोस्तों को जरूर बताए